आज मेरे पास मौका है मेरी ड्रीम कार जीतने का, और वो मैं कैसे जीत सकता हूँ आओ तुम्हें बताता हूँ। चलो। तो भाई बात ऐसी है, ये खड़ी है मेरी फॉर्च्यूनर और वहां से आ रहा है एक हाई स्पीड ट्रक, और भाई अगर मुझे फॉर्च्यूनर जीतनी है तो इस वाले ट्रक को रोकना पड़ेगा, और भाई इस ट्रक को रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो भैया बात ऐसी है, टोटल हमको मिलेंगे 6 अटेम्प्ट, और इन 6 अटेम्प्ट में अगर मैं उस ट्रक को रोकने में कामयाब होता हूं तो मुझे मिलेगी एक फॉर्च्यूनर। तो हाँ, मैं पेन और पेपर लेके आ चुका हूँ, मैं बनाता हूँ प्लान कैसे मैं उस ट्रक को बीट कर पाऊंगा। तुम लोग जाओ, जब तक पॉपकॉर्न वगैरह लेके आ जाओ, क्योंकि मजा बहुत आने वाला है भाई। तो हाँ भाई, बिल्कुल सही देख रहे हो आप लोग, अपन अब एक फॉर्च्यूनर को बचाने के लिए 5 ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट का बलिदान देने वाले। अब देखते हैं भाई, क्या ये 5 गाड़ियां मिलके मेरी 1 गाड़ी को बचा पाती है। मैं जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे हो कि भाई फॉर्च्यूनर के सामने 5 गाड़ियां खड़ी हुई है और ये एक सिंगल ट्रक है, बट आप लोग ये मत भूलो कि वो 5 गाड़ियां मारुति कंपनी की है भाई, जेन्युइनली। तो हाँ, थोड़ी बिल्ड क्वालिटी पे तो सवाल है उस गाड़ी की, बट अपना जो ट्रक है वो भी कुछ कम नहीं है। और मैं चाहता हूँ यार, देखो मुझे तो फॉर्च्यूनर मिलेगी अगर वो 5 गाड़ियों ने रोक लिया तो मैं तो चाहता हूँ वो रोक ले, बट देखते हैं। स्टार्ट होती है पहली गाड़ी से, और क्या प्यारी दिख रही है, देखो 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 कैसे उड़ती हुई जा रही है। सीरियसली भाई, ये मजाक चल रहा है क्या भाई, इतनी हल्की होती है, लाइक सीरियसली देख रहे हो तुम लोग, 5 गाड़ियों को इस ट्रक ने ऐसे उछका दिया जैसे वो खिलौने वाली गाड़ी होती ना, इस टाइप की ऐसे फेंक दिया। आई एम सो सॉरी, हाँ ऐसे फेंक दिया भाई। भाई ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट कितनी ज्यादा हल्की गाड़ी है भाई, आज मुझे समझ आई कितनी हल्की है। मैंने फॉर्च्यूनर को बचाने के लिए फॉर्च्यूनर के सामने तीन भाई इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर ट्रक खड़े कर दिया। भाई देखते हैं क्या ये बड़े बड़े मॉन्स्टर ट्रक अपनी फॉर्च्यूनर को बचा पाएंगे। अपना ट्रक निकल चुका है फुल स्पीड में, भाई इसको मैं ट्रक बोलूंगा ही नहीं भाई, ये डिस्ट्रॉयर है। इसके सामने जो तुम्हें दिख रहा है ना लगा हुआ, भाई वो किसी भी चीज को तोड़ सकता है। और अभी राइट आओ अपने सामने है 3 मॉन्स्टर ट्रक, बट हाँ यार मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि यार वो ट्रक्स होते तो हल्के हैं जैसा मैंने सुना है, क्योंकि मॉन्स्टर ट्रक ऑब्वियसली स्टंट वगैरह करते हैं तो वो हल्के होते हैं, बट हाँ शायद रोक भी सकते हैं, कुछ पता नहीं भाई, मोटे मोटे टायर है तो कुछ भी हो सकता है। सो ये रहा पहला ट्रक, थोड़ा सा स्लो मोशन हमने कर दिया है, पहले ट्रक को तो लिटरली इसने उचका दिया। दूसरा, और भाई नहीं, कचरा बन चुका है फॉर्च्यूनर का यहाँ पे। बहुत अच्छा ट्राई किया मॉन्स्टर ट्रक्स ने, बट एट द एंड फॉर्च्यूनर तक तो इम्पैक्ट आ ही गया। बट यार एक चीज मुझे समझ आई कि यार मॉन्स्टर ट्रक एक्चुअली मैंने उनका वेट कम होता है, लाइक वो दिखते ऐसे बड़े से हैं बट उनके टायर में और ये सब का वेट ना कम होता है एक्चुअली। तो भैया बात ऐसी है, मॉन्स्टर ट्रक तो कुछ कर नहीं पाया, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बड़ा सा ट्रक लेके आके देखते क्या ये ट्रक हमारे उस डिस्ट्रॉयर को रोक पाता है। अपना डिस्ट्रॉयर फुल स्पीड में निकल चुका है और उसके टारगेट में है वो ट्रक। और तुम्हें पता वो जो ट्रक है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कंटेनर टाइप है जिसको आप लोग टैंकर बोलते हो, तो मुझे लग रहा है वो टैंकर में बहुत ज्यादा वेट होगा तो उसके कारण शायद अपनी फॉर्च्यूनर बच सकती है, बट कुछ भी हो सकता है यार, देखते हैं भाई। चल भाई, बहुत उम्मीद है मुझे ट्रक से। ये हुआ स्लो मोशन, और नहीं, कचरा होने वाला है फॉर्च्यूनर का वापस, जो कि चीरता हुआ निकल चुका है, आग भी लग चुकी है भाई, सीधा पेट्रोल टैंक डैमेज किया है इसने। तो नहीं भाई यार, इन सब से तो कुछ नहीं हो रहा, मुझे कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैंने ट्रक लिया है ना भाई, ये कुछ भी तोड़ दे रहा है, कुछ तो बड़ा सोचना पड़ेगा मुझे। ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया कि मुझे अगर उस ट्रक को रोकना है तो मुझे भारी गाड़ियां यूज करनी पड़ेगी। तो लो भाई, मैं लेके आ चुका हूं 3 3 टेस्ला साइबर ट्रक, और राइट नाउ मैं पागल हो चुका हूं, क्योंकि मैं 50 लाख की फॉर्च्यूनर को बचाने के लिए, जीतने के लिए भाई करोड़ों की गाड़ियों का नुकसान कर रहा हूं। बट कोई बात नहीं, हम फॉर्च्यूनर लवर है, हम खर्चे की चिंता नहीं करते। अपना अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर स्पीड में निकल चुका है, और भाई ये लगभग 130 की स्पीड में जाता है, जो कि बहुत ज्यादा होती है ट्रक के हिसाब से। अगर आप में से कोई लोग कभी ट्रक में बैठे होंगे तो आपको पता होगा कि भाई ट्रक की स्पीड जब 130 होती है ना, तो वो नॉर्मल गाड़ियों की 160 170 के बराबर होती है, क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा होता है, हार्ड टू कंट्रोल होता है। बट देखते हैं, 3 3 साइबर ट्रक है सामने, क्या अपनी फॉर्च्यूनर बचेगी, लेट्स गो। किया है स्लो मोशन पहले ट्रक को, तो भाई मैं क्या बोलूं, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है भाई। 3 3 साइबर ट्रक जिनको हमारे इलॉन मस्क भैया बोल रहे थे ये स्टेनलेस स्टील से बने हैं, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, तुम इन पे गोली चला दो, तुम कुछ भी कर लो, इनका कुछ नहीं होने वाला। बट 3 3 ट्रक मिलके भी मेरी एक फॉर्च्यूनर को नहीं बचा पाए। बहुत दुख में हूं मैं, बहुत पीड़ा है मेरे अंदर, मेरा रोने का मन कर रहा है कि मैं बचाऊं तो बचाऊं कैसे फॉर्च्यूनर को यार। जैसा कि आप लोग जानते हो, बचपन में मैं सर के बल गिरा था, तो मैं एक 50 लाख की फॉर्च्यूनर को बचाने के लिए एक 2 करोड़ की डिफेंडर लेके आ चुका, और मुझे लग रहा है कि शायद डिफेंडर अपनी फॉर्च्यूनर को बचा सकती है। मोटा खर्चा होने वाला है फॉर्च्यूनर को बचाने के लिए। टाटा के लोहे पे हमने कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया है, अब या तो डिफेंडर टूटेगी या तो मेरा भरोसा टूटेगा, बट देखते हैं क्या टूटता है। वैसे यार दिक्कत पता क्या है, ये ट्रक ना भाई 130 की स्पीड में भागता है, इसकी स्पीड भी एक्चुअली बहुत दिक्कत देती है यार। तो ये रही डिफेंडर, अब देखते हैं क्या डिफेंडर अपनी फॉर्च्यूनर को सेव कर पाएगी। अच्छा भाई, उड़ा दिया,
उड़ा दिया, लिटरली इसने डिफेंडर को उड़ा दिया है भाई। और ये टूटी फॉर्च्यूनर और दोनों गाड़ियों को ऐसे खिलौने वाली गाड़ियां जैसे फेंकता हुआ जा रहा है ये ट्रक। और अब मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा मैं इस ट्रक को रोकूं कैसे भाई, मैं क्या करूं इसके सामने। जैसा कि मुझे स्कूल में पढ़ाया गया था, एक से भले दो होते और दो से भले होते तीन, तो भाई अब मैं एक 50 लाख की फॉर्च्यूनर को बचाने के लिए तीन डिफेंडर कुर्बान करने वाला हूँ। और अब मुझे सच में लगता है कि मुझे इलाज की जरूरत है यार। देखो खर्चे की कोई बात नहीं है, मुझे जीतनी है फॉर्च्यूनर, और वो फॉर्च्यूनर जीतने के लिए मैं कोई भी गाड़ी को कुर्बान करने को तैयार हूँ, फॉर्च्यूनर लवर हूँ आफ्टर ऑल मैं। तो देखते भाई, तीन डिफेंडर अभी हमने लगा दिया लाइन पे और अपना ट्रक वापस से 130 की स्पीड पकड़ चुका है जो कि बहुत ज्यादा होती है। अब देखते हैं क्या डिफेंडर हमारी फॉर्च्यूनर को बचा पाएगी। पहली डिफेंडर को तो इसने उड़ा दिया है, दूसरी का भी हाल बेहाल कर दिया है, बस तीसरी तक आते आते इसकी स्पीड अच्छी खासी कम हो गई और मुझे लग रहा है कि शायद अपनी फॉर्च्यूनर बच सकती है, बट ये हल्का सा साइड हो गया जो कि उसको कट मारता हुआ निकलेगा। नहीं यार, और फॉर्च्यूनर की डिक्की और डिक्की के साथ साथ बहुत कुछ तोड़ चुका है ये। अगर मैं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन लगाऊं तो 2 करोड़ लगभग की एक डिफेंडर आती है, 3 डिफेंडर मतलब 6 करोड़ की। तो 6 करोड़ में हम लोग अभी अभी अंगार लगा चुके हैं, बट स्टिल हमारी फॉर्च्यूनर नहीं बच पाई। अगर कुछ गाड़ियां मिलके उस ट्रक को नहीं रोक पा रही है तो कोई चिंता की बात नहीं है, अपन लेके आ चुके हैं पूरी की पूरी दीवार। और भाई अब देखते हैं क्या ये दीवार, कंक्रीट की दीवार, मेरी इस प्यारी सी फॉर्च्यूनर को बचा पाती है। आई होप बचा ले। वैसे अगर मैं सच बताऊं ना, मेरे पास इस ट्रक को रोकने का एक और बहुत क्रेजी आइडिया। अगर मुझे कुछ नहीं समझ आया तो भाई मैं इस ट्रक के सामने इसी के जैसा एक और ट्रक रख दूंगा भाई, फिर ऐसा हो जाएगा कुछ और ऑब्वियसली ये ट्रक रुक जाएगा फिर, बट उसकी नौबत आएगी नहीं भाई, उसके पहले ही मैं इस ट्रक को रोक दूंगा क्योंकि अभी इसके सामने कंक्रीट की वॉल है, ब्रिक्स की वॉल है जिसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट देखते हैं भाई, स्लो मोशन हमने किया है और ओके, ये कंक्रीट की वॉल को तोड़ के निकल चुका है और फॉर्च्यूनर की भी ऐसी तैसी हो चुकी है। मुझे यहाँ से दिख रहा है वो बेचारी प्यारी सी फॉर्च्यूनर किस हद तक टूट चुकी है। और मुझे ये चीज़ तो जेन्युइनली समझ आ रही है कि भाई इसको रोकना मुश्किल होने वाला है, तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, मुझे अपने छोटे से दिमाग में बहुत ज्यादा जोर डालना पड़ेगा। तो मैं जा रहा हूँ बादाम खाने। तो हाँ चलो यार, बादाम खा के आते हैं क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि बादाम खाने से दिमाग तेज चलता है, तो शायद बादाम खाने के बाद मैं उस चैलेंज को पूरा कर पाऊँ, बट देखते हैं। चलो अम्मी, 5 minutes later. तो हाँ देख सकते हो थोड़ी सी बादाम हमको मिल चुकी है, देखते हैं इसको खा के कि क्या हमारा दिमाग तेज होता है और क्या हम उस फॉर्च्यूनर को बचा पाते हैं। तो पूरी 3 बादाम खाने के बाद मुझे आइडिया आया कि क्यों ना फॉर्च्यूनर को बचाने के लिए गेट लगा देते हो भाई। ऐसे वैसे नहीं, हमने यहाँ पे लगाए हैं 50 गेट, तुम लोग देख सकते हो इतने सारे गेट है। अब क्या वो ट्रक इन सारे गेटों को तोड़ पाएगा? मेरे हिसाब से तो नहीं तोड़ पाएगा। वैसे मैं आप लोगों को याद दिला दूं, ये अपना लास्ट अटेम्प्ट है। अगर इस अटेम्प्ट में हम लोग इस ट्रक को नहीं रोक पाते हैं तो हमें ये फॉर्च्यूनर नहीं मिलने वाली है। तो भाई फाइनल है, तो धक-धक भी बहुत जम के हो रहा है, बट देखते हैं। इस बार मैंने अपना पूरा दिमाग लगा के गेट्स लगाए हैं और मुझे लग रहा है कि शायद वो गेट्स इस ट्रक को रोक सकते हैं, क्योंकि यार ये ट्रक कितनी भी स्पीड में आए, कितना भी डिस्ट्रॉयर हो, बट इतने सारे गेट्स को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट देखते हैं यार, कुछ भी हो सकता है। धक-धक हो रहा है, हमने कर दिया है स्लो मोशन। कम ऑन, मुझे जीतना है फॉर्च्यूनर। भाई, finally, अपनी फॉर्च्यूनर सेफ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, एकदम ब्रांड न्यू चमचमाती हुई फॉर्च्यूनर, कोई डेंट नहीं, कोई डैमेज नहीं। तो भाई टेक्निकली अब हम लोग ने इस चैलेंज को जीत लिया है, तो हमें मिलती है फॉर्च्यूनर। और किसे लग रहा था कि मैं इसको नहीं कर सकता, भाई मैं प्रो ड्राइवर हूँ, हल्के में ले रहे हो तुम लोग मुझे। तो भाई फाइनली मम्मी ने जो हमें बादाम दिए थे उसने अपना जादू दिखा दिया है, हम जीत चुके हैं फॉर्च्यूनर। बाय द वे, अगर तुम लोगों को मजा आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो। मैं मिलूंगा कल एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आई एम एफ के वन, आई एम साइनिंग आउट। अब मैं जा रहा हूं मार्केट से और बादाम लाने। वेलकम टू उत्तर प्रदेश, मैं युवा नेता फ्रॉम पतली गली, लैंड ऑफ द गैंगस्टर्स फिल्ड विद बूमर्स एंड छपरीज। हाथ पे हाथ रख के करता हूं मैं ग्रिप चेक, शर्ट पे कोट शाइन करता मेरा ड्रिप चेक। खींच के फोटो में स्क्वायर काट के कोट में, हाथ जोड़ के खड़ा होता नेता वाले पोज में, मैं युवा नेता बनता सबको।